हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं भी महाराजा खुशी हूँ। तो आप अभी चलता हूँ वन दुगनाथ की श्री कलिंग स्थली मकुल में, जबकि क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। तो चलो चलते हैं। वही जंगल के बीच बर्फबारी के रास्ते से चलते हैं। आपको एक स्पोर्ट्स ग्राउंड देखते हैं आज का मैच। EMCC मस्तूरा और MCC हिम्मत के बीच है। देखते हैं आज का मैच, कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम आज फाइनल में पहुंचती है। तो देखने वाली बात है। राहुल को यहाँ खोलने का तो चार बार अभी भी टूट हो रहा है। राहुल ने पहले दौड़ा प्रारंभ खेल से नवन साइड में चार रन के लिए, ताकि दर्शन हो चक्कर देखने को मिला राहुल के खेलने से। तो इसी के साथ एक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, काफी अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर आउट करा दिया तारा मित्राधारी ने। उसे गेंद को स्कोर जा पाता 40 रन। दौड़ा प्रारंभ, काफी अच्छी गेंद, लॉन्ग साइड में खेल रहे धनी ने आसानी से दो रन पर रोक दिए उसने। एक बार दौड़ा प्रारंभ, अजय काफी अच्छी गेंद, लेकिन खेल रहे कैट की दिशा में होंगे राहुल। राहुल दर्शकों की जानकारी, एक
जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। कैलाश अगले गेंद के साथ अभिषेक काफी अच्छी गेंद बावन रन प्रवीण अगले गेंद के साथ अभिषेक धर्म रन को पार किया हल्के हाथों से खेला जब तक गेंद फेल होती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 53 रन दो विकेट के नुकसान पर अगले गेंद के साथ अभिषेक अंपायर मैदानी को पार गया काफी अच्छी फील्डिंग अगले गेंद के साथ अब अंपायर मठानी को पार किया पचपन रन दो विकेट के नुकसान पर 30 के ऊपर 200 विकेट 50 के ऊपर गेंदबाज के रूप में मोहित कोठी का तीसरा और पारी का 9 ओवर हाथ मिली तीन अगली गेंद के साथ मोहित 10-12 कदमों पर रन अप गेंद समाधित अगली गेंद के साथ मोहित अंपायर मैदानी को पार किया यॉर्कर लेंथ की गेंद मोहित काफी अच्छी गेंदबाजी मोहित के द्वारा अगली गेंद के साथ अंपायर मैदानी को पार किया व्हाइट का इशारा अंपायर मैथानी के द्वारा इस अतिरिक्त के साथ टीम के स्कोर मिस फील्ड वहां पर इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 58 रन तो अंतिम गेंद फेंके जाने बाकी अगली गेंद के साथ मोहित टीम का स्कोर 59 रन प्रीतम कोटी का पहला पारी का 10 ओवर हाथ मिली काफी अच्छी लिया जा कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं दी जा रही है प्रीतम को तम वहीं सामने आगे कैलाश कुमार के मार दिया जब तक गेंद खेल होती
दो रन पूरे इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 61 रन। तो इसके बाद का जो मैच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अचानक क्रिकेट क्लब मंगेर वर्सेस चर्क के बीच प्रीतम अंपायर मैदान को पार गया और कैच आउट अंदर कैच बोल्ट के द्वारा तैयार सुजान उन्हें कैमर का बात प्रथम काफी अच्छी गेंद समझ नहीं पाए सुजान अगली गेंद के साथ अंपायर मैदानी को पार गया पर टीम का स्कोर 61 रन मात्र दो रन खर्च के अपने ओवर में प्रीतम ने इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 62 रन। अगले गेंद के साथ अभिषेक काफी अच्छी गेंद अगले गेंद के साथ अभिषेक लेकिन नकार दिया अंपायर मैठानी ने अगले गेंद के साथ अब से अंपायर मैठानी को पार किया स्लिप क्षेत्र में खेला जब तक गेंद फेल होती थोड़ा गया इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 63 रन। तो स्ट्राइक पर होंगे प्रवीण कैच आउट होने का खतरा पूरा उसके नीचे लेकिन कैच दो इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 66 रन। अगले गेंद के साथ अभिषेक और बोल आउट कर दिया है सुजान को तो कुछ पास कर नहीं पाए आज सुजान दीपक छिया सठ रन। तो प्रीतम जब तक गेंद फेल होती बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 67 रन। टेस्टर हट्टारी का अंतिम ओवर हाथ में लिए हमसे दूर वाले चोर से 10 बार पर मौका रन अप अगले गेंद के साथ प्रीतम वही सामने होंगे प्रवीण जब तक गेंद फेल होती दोनों बल्लेबाजों ने दो रन पूरे किए इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 70 रन। टीम Thank you.
छह रन तो काफी देर बाद देखने को मिले हैं प्रवीण के बल्ले से छह रन। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 76 रन। अगले गेंद के साथ प्रियतम 10 बार पत्ना करान अब तो जब तक गेंद फील्ड होती इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 78 रन। फेंकी जानी बाकी रन आउट होने का खतरा है। रन आउट 89 रन लक्ष्य दिया है 80 रनों का। इंटर कॉलेजियन से नाउ स्टार्ट गेम सेकंड इनिंग अपने हिसाब से सुबह फील्ड को सजाते हुए रायता ओवर दी सेकंड फुल टॉस लेते आकर के स्निक किया। मात्र 12 ओवरों के सीमित खेल में इसके बाद कभी जो मैच होगा बहुत ही अच्छा दर्शनीय मैच दर्शकों को लिए देखना देखने को मिलेगा। एक बार फिर अब से दूर वाले छोर से लंबे रन अप के साथ अंपायर से आगे बढ़े और चालू करी गेंद छेड़ने का प्रयास तो अचानक क्रिकेट क्लब पंगेर की ओर से भी जो सूजी यहाँ पे पहुंच चुकी है मोंटी जैसा नाम भी और जतिन का नाम भी अंकित है तो दर्शकों के लिए मैच भी आकर्षक और रोमांचक देखने को। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से बॉल के लिए स्लो डिलीवरी निश्चित रूप से यहां पर एक रन पूरा किया इस सिंगल की मदद से अपना खाता खुला यहां पे मोहित का टीम का भी खाता खुला सिंगल से। लंबे रन अप के साथ राइटाम ओवर दी गेंदबाजी स्लिप क्षेत्र में स्कोर अभी भी यथावत बिना किसी नुकसान के एक रन लक्ष्य में एक रन कम होता हुआ। सुबोध लंबे रन के साथ एक बार फिर पैर से आगे बढ़े देखना होगा सर डिलीवरी निश्चित थे लेकिन बीट रहे हैं एक और डॉट गेंद में स्ट्राइक पर इस समय राहुल नॉन स्ट्राइक पे सिंगल की मदद से मोहित और एक बार फिर बीट रह गए हैं। ओवर एक ओवर समाप्त हो चुका है मात्र एक रन बिना किसी नुकसान के कहां पर सुबोध के द्वारा मोहित के लिए दीपक ऑफ स्टंप से बाहर अतिरिक्त ने भी खाता खोला टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई दो रन एक बल्ले का और एक वाइड का। एक बार फिर चल पड़े हमसे दूर वाले छोर से मोहित के लिए नीचे रहती हुई गेंद और देखना होगा आसानी से अच्छी रनिंग फिट में राहुल आए हैं स्ट्राइक एंड पे सामना करेंगे पहली बार दीपक का। एक बार फिर दीपक की उछाल करी गेंद तक उठी हुई गेंद अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से राहुल के लिए तेजी के साथ दौड़े ऊपर दृष्टि गेंद नीचे रहती हुई गर्दन पीट अच्छी लंबे रन के साथ एक बार फिर उछाल भरी गेंद बार बार पीट हो रहे हैं इस बीच बाई के रूप में एक अतिरिक्त चुराया इस दूसरा ओवर प्रगति पर चार रन बन चुके हैं। शानदार फील्ड की सजावट एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से बार बार यहां पर बीट अच्छी गेंदबाजी बहुत ही सुंदर गेंदबाजी निश्चित रूप से लग स्टंप से इतनी बार स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर जारी। एक बार फिर पीसीसी मस्तुरा की ओर से दीपक हमसे दूर वाले छोर से चल पड़े राहुल के लिए अच्छी गेंद और अच्छा
सामना कर रहे हैं दीपक का। एक बार फिर अपने इरादों में ओवर की समाप्ति, दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, 5 रन बन चुके हैं, चाहे वो 80 रनों का है, 75 रन बन रहे हैं, तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाज और गेंदबाज इस क्रिकेट के पद के साथ चले। एक बार फिर और देखना होगा यहाँ पर गुडअप क्षेत्र में कैच ड्रॉप, जीवन दान मिला है यहाँ पर मिला है राहुल को 6 रन हुआ। देख सबूत इससे पहले वाला ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की, यहाँ पे स्लिप क्षेत्र में दिखेला रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रखा हुआ था 6 रन। लंबे रन अप के साथ मोहित के लिए चल पड़े, अगली गेंद हाथ में लिए हुए शॉट डिलीवरी, देखना होगा सिंगली के क्षेत्र में पेड़ दूर तो इस बीच एक रन चुराया आसानी से, सिंगल से संतुष्ट दोनों ही बैट्समैन, सिंगल से अपने छोर बदले, स्कोर बढ़ता हुआ 7। स्ट्राइक एंड पर सबूत के लिए, सबूत की अगली गेंद अब से दूर वाले छोर से ओवर दृष्टि गेंदबाजी, एक बार फिर यहां पर जरूर पंपिंग क्रीचों में खड़े और अच्छी गेंदबाजी को हाथ में लिए हुए हमसे दूर वाले छोर से इंटर कॉलेज एंड पे खड़े सुबोध अपने कोटे का दूसरा ओवर राहुल के लिए तैयार। एमसीसी की ओर से राहुल के लिए देखना होगा कैच आउट का खतरा हो सकता है, जिससे विकेट का पतन यहां पे एमसीसी उखे मठ का, राहुल के रूप में पहला झटका लगा है एमसीसी उखे मठ को। ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 7 रन बने हैं और जबकि एक विकेट गवा बैठे हैं राहुल के रूप में। राहुल आज कुछ खास कर नहीं पाए, जिन्होंने कि विकेट और झटकाने होंगे टीसीसी मस्तूरा को, एक सफलता अर्जित करने में कामयाबी आ रहे हैं सुशांत। सुशांत के लिए आउट ऑफ लेंथ की गेंद, लेकिन चूक अपने इरादों में कोई सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से एक बार फिर अपने इरादों में सफल नहीं, बार बार पीट हो रहे मोहित। दीपक जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर हाथ में लिए हुए हमसे दूर वाले छोर से, अच्छी गेंदबाजी डॉट गेंद अभी तक मोहित के लिए। एक बार फिर पीट पारी का, एक बार फिर स्लो डिलीवरी, बार बार पीट हो रहे हैं लंबे रन के साथ, देखना होगा इस गेंद पर भी डिफेंसियन ताज में एक और डॉट गेंद। दीपक एक बार फिर राहुल के लिए तेजी के साथ बढ़े, एक बार फिर यहां पे देखना होगा रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन इस बीच सुरक्षित बैट्समैन, मात्र सिंगल खर्च किया है यहां पे दीपक ने, स्कोर लंबे समय के साथ आगे बढ़ता हुआ 8 रन। ओवर गोल हो चुका है, यानी प्रति ओवर 2 रन बन रहे हैं अभी तक एमसीसी उखे मठ के। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अच्छी मंत्रणा चलती हुई दोनों में 72 यानी 72 रन बन रहे हैं धीरे धीरे। अब यहां से कई चुके थे कि एक एक गेंद जो है दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट के इस मैदान में, इस सेमीफाइनल में तराजू के पड़े दोनों ही टीमों के लिए बराबर। हरीश आए हैं अपने कोटे का पहला पारी का 5वां ओवर, सामने होंगे मोहित।
का स्निक किया और हमसे दूर वाले छोर से मोहित के लिए। मोहित तैयार, गेंदबाज आगे बढ़े, ओवर द स्टिक गेंद, नीचे रहती हुई गेंद एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से लंबे रन अप के साथ राइट आर्म ओवर द स्टिक गेंदबाजी। 10-15 कदमों का रन अप और एक बार फिर पीट रहे हैं बार बार, एक बार फिर लंबे रन अप के साथ मोहित के लिए। देखना होगा बैट्समैन बीट विकेट कीपर बीट, वाइट का इशारा पैर अमित पठान के स्पीच, दो अतिरिक्त खाते में जाते हुए तो दो रन अंको में स्कोर जाता हुआ 10 रन। अभी भी लक्ष्य से दूर एमसीसी ओके बट हरीश एक बार फिर सुशांत के लिए पहली बार पांचवा ओवर प्रगति पर। ऑफ स्टंप पे गेंद, अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। 5 ओवर समाप्त हो चुका है और मात्र 10 रन अभी तक बने हैं एमसीसी उखीमठ की ओर से। तो कौन किस पर आक्रमण करेगा इस क्रिकेट अच्छा क्षेत्र रक्षण का जो मिश्रण बनाए हुए हैं पीसीसी। दीपक गेंदबाज हैं, संभवतः यह हाथ खड़ा कराएं, यदि दीपक है तो यस। ओवर सामने होंगे मोहित, मोहित के लिए गेंद एक बार फिर नकार दिया नॉन स्ट्राइक टीमों में चलता हुआ। मोहित सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं एक बार फिर, और इस बार देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री विकेट टावर 54 क्रॉस छक्का, पहली बाउंड्री एमसीसी उखीमठ की ओर से लंबे समय के बाद स्कोर जंप करता हुआ 16 रन। छक्का जड़ा है आप मोहित ने। छठवां ओवर प्रगति पर एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से मोहित के लिए, कैच आउट का खतरा हो सकता था। तैयार सुशांत, सुशांत के लिए आगे बढ़े एक बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, फिर दीपक सुशांत के लिए लंबे रन अप के साथ अंपायर अतुल पठानी को क्रॉस किया एक बार फिर, स्ट्राइक एंड पे खड़े हमसे दूर वाले छोर से लंबे रन अप के साथ आगे बढ़े और आउट। बहुत ही से गेंदबाजी जहां की एक छक्का जरूर अपनी गेंद तक पिटवाया लेकिन अच्छी वापसी यहां पर टीसी। 6 ओवरों का यहां पे खेल समाप्त हो चुका है, मात्र 17 रन बने हैं जबकि 2 महत्वपूर्ण विकेट वापस पवेलियन। मोहित बहुत ही सुंदर गेंद इस बार भी बीट रह गए हैं। अंपायर रमित बैठाएगा और इस अतिरिक्त के साथ 19 रन बटोर चुके हैं यहाँ पे बल्लेबाज। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से देखना होगा यहाँ पर बेड़ा पौड़े पर सुनक चाली च्यवनप्राश छक्का, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जंप कर दबा 25 यानी क्वार्टर सेंचुरी बन चुकी है यहाँ पर। सबसे एक ने भी अपना खाता खोला, टीम का स्कोर भी जंप करवाया, 2 छक्के अब तक यहाँ पर लग चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड खड़े एक बार फिर देखना होगा यहाँ पर एक बार फिर छक्के की मदद से तैयार, देखना होगा इस बार शानदार कवर ड्राइव सिंगल के लिए, इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन का, 3 गेंदेज की और 7 रन। अच्छा स्ट्राइक रेट यहां पर अभिषेक का, एक बार फिर अभिषेक तैयार और इसके लिए ब्लॉक। 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 26 रन बने हैं। इस
गेंदे अभी भी गोल करने बाकी फेंकने बाकी है। 54 रन बनना है, 30 गेंदों में 54 रन, पूरा भरोसा अभिषेक और मोहित के बल्ले पर। एक बार फिर चल पड़े हमसे दूर वाले छोर से, फुटोस लैंप की गेंद देखना होगा, यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता है निश्चित रूप से। बहुत ही शानदार फील्डिंग, हाँ हाँ ना ना में अपना विकेट गंवा बैठे हैं यहाँ पे अभिषेक। वापस पैवेलियन लौट रहे हैं, एक और सफलता जीत की टीसीसी, मस्त रन है, 3 विकेट वापस पैवेलियन। एक बार फिर मोहित तैयार, बोल्ड आउट और सफलता अर्जित की है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षा पीसीसी मथुरा की ओर से। मोहित जोड़ी के रूप में गए थे और अपना विकेट गंवा बैठे हैं। वापस पैवेलियन लौट रहे हैं, रन बटोर रहे हैं मोहित ने, गोल करने बाकी और 54 रन लक्ष्य के लिए। गणेश वर्मा स्ट्राइक एंड पे तैयार और अपनी बॉलिंग मार्क्स पे दीपक अपनी अगली गेंद डालने के लिए हमसे दूर वाले छोर से तैयार। देखना होगा क्या कुछ करेंगे यहाँ पे गणेश वर्मा, क्या कुछ करेंगे यहाँ पर दीपक। चल पड़े हमसे दूर वाले छोर से, राइट आर्म ऊपर, डिस्ट्रिक्ट गेंदबाजी, फुटका उस लेफ्ट आकर के खेला, अच्छी फील्डिंग ऑन राज खेला और 27 स्कोर करता हुआ अपना खाता खोला यहाँ पे गणेश वर्मा ने। प्रीतम उनके सामने, दीपक तैयार, चल पड़े हमसे दूर वाले छोर से। देखना होगा यहाँ पर बैट्समैन बीट विकेट कीपर बीट, तो इस बीच पूरा क्या बाई के रूप में 28 स्कोर खाता खुला प्रीतम ने। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से गणेश वर्मा के लिए फुटोस लैंप की गेंद, लॉन्ग ऑफ पे 6 रन, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जंप करता हुआ 34 रन। एक छक्के और एक सिंगल की मदद से स्ट्राइक एंड पर कौन के सामने अगली गेंद यानी अंतिम गेंद, इस ओवर की डालने के लिए तैयार और यहाँ पे कट आउट का खतरा हो सकता है। बहुत ही सुंदर कैच लगता है यहाँ पे, डीप फाइन लग रही है, दीपक ने महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण, एक और विकेट वापस पवेलियन। एमसीजू के आठ ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 34 रन बने हैं और 80 रन टारगेट 24 गेंदों में, अभी भी 46 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, किस तरह की पारी का नवा ओवर सामने होंगे, दीपक टू दीपक, दीपक के सामने दीपक, कौन किस पर हावी होगा देखना होगा यहाँ पर हमसे दूर वाले छोर से। चले दीपक के लिए
छोटा उस लग गया ते ठीक करना चाह रहे थे लेकिन प्रीतम स्ट्राइकर पे हमसे दूर होने छोड़ से एक बार फिर बीट रह गए हैं बैट्समैन भी 45 रन की दरकार एमसीसी उपमट को बाइस बॉल 45 प्रीतम और दीपक कितना नौकर कोई बॉलिंग बॉक्स के अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी का नवा ओवर लेते हुए प्रीतम के लिए बहुत ही शानदार शॉट चला है लगभग क्षेत्र की ओर एक रन से संतोष का चिप फील्डिंग रन बन चुके हैं और देखना होगा कुछ रायशुमारी चलती हुई दीपक काम से दूर वाले छोर से और ये देखना होगा यहां पर लॉन्ग पुंडरी के पार सूरज चानी चवनप्राश छक्का 107 मीटर लंबा यहां पे छक्के का जो है लंबाई नापी गई स्कोर जंप करता हुआ उछलता हुआ 42 रन 38 रन बन है वही 20 गेंद 38 रन पांच विकेट वापस पवेलियन देखना होगा खाली क्षेत्र में यहां पर देखेला एक रन से संतोष सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन पांच विकेट के नुकसान पर प्रीतम आए स्ट्राइक एंड पर 19 गेंद 37 रन 19 गेंदों में 37 रन दीपक तैयार प्रीतम तैयार और नौ ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है 18 गेंद 37 रन अभी भी 18 गेंदों में 37 रन चल गए जयंती को मुख्य मत ले जाना है तो संघर्ष करना होगा 18 गेंदों में 37 रन बनाने होंगे वही पांच विकेट चटकाने होंगे टीसीसी मस्तूरा को यदि मस्तूरा जो है 51,000 का नगद पुरस्कार और चल वैजयंती पर कब्जा करना है तो कौन किस पर हावी होगा एक बार फिर आकर्षक बनता हुआ यह मैच बहुत ही शानदार क्रिकेट चलती हुई क्षेत्र रक्षकों में निमंत्रण एक छक्के की मदद से दीपक कृष्णा है यदि कृष्णा है तो बात करें बॉलिंग बॉक्स में 18/37 तीन ओवर यानी 6 गेंद प्रति ओवर 18 गेंदें पूरी होनी है एक बार फिर लंबी रन के साथ कृष्णा चल पड़े और पिस्टन अटक गेंद डॉट गेंद अभी भी 17/37 देखना होगा क्या कुछ फर्क कर पाएंगे कृष्णा चले हमसे दूर वाले छोर से और यहां पर बीट रह गए हैं 44 स्कोर बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने की तरफ सिंगल बटोरे हैं सामने होंगे कृष्णा कृष्णा के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीतम हमसे दूर वाले छोर से प्रीतम के लिए फुलटॉस लग भी गया लेकिन बीट बहुत ही अच्छा यहां पर मैच चलता हुआ बल्लेबाज हेलमेट का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें
पहला ओवर पारी का दसवां ओवर प्रीतम के लिए, तेजी के साथ आगे बढ़े डॉट गेंद बीट हो रहे हैं। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से एक और डॉट गेंद 13 पर, अभी भी 36 13 पर 36 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल गेंदबाजी। गंभीर रन के साथ प्रीतम के लिए व्हाइट का इशारा भाई दो अतिरिक्त स्कोर 13 गेंदों में अभी भी 34 रन। पहला ओवर सामने दीपक एक छक्के की मदद से सामना करेंगे कृष्णा का। कृष्णा तेजी के साथ चले और यहां पे समाप्ति 12 गेंदें मात्र 12 गेंदें दो ओवर शेष यहां पे गोल करने रह गए हैं। सुबोध बॉलिंग मार्क्स पे खड़े स्ट्राइकर पर प्रीतम, नॉन स्ट्राइकर पर दीपक, मात्र 12 गेंद से 34 रन बन रहे हैं। तो यानी प्रीतम और दीपक यदि फाइनल में प्रवेश एमसीसी करता है तो पूरा दारोमदार दोनों ही बल्लेबाजों पर होगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ करेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। पारी का 11 ओवर सामने प्रीतम अच्छा यहाँ पर सिंगल के लिए ने किया, इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 11 ओवर अभी भी 33। अवधि तैयार सामना करने के लिए सुबोध का, सुबोध चल पड़े हमसे दूर वाले छोर से अवधीप के लिए 33 रन बनने हैं। एक एक गेंद बहुत ही साबित होगी हमसे दूर वाले छोर से। सुबोध लंबे रन के साथ अवधीप के लिए और पवनदीप के बल्ले से निकलने वाला ये टावर च्यवनप्राश छक्का, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जंप करता हुआ हाफ से 53 रन। 8 गेंदें अभी भी से 27 रन बन रहे हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे हमसे सी उठी मठ को। सुबोध एक बार फिर तेजी के साथ आगे बढ़े और देखना होगा यहां पर पूरा किया जब तक यहाँ पे गेंद क्लब की जाती है आसानी से दो रन इजाफा होता हुआ 55 रन। 7 गेंदों में 25 रन और एक बार फिर यहाँ पर देखना होगा सिंगल से संतुष्ट की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदें मात्र बोल करने से और 24 रन बनने हैं, बराबरी और 24
विजयी के लिए तो दोनों बल्लेबाजों पर। दूसरा पारी का तीसरा ओवर यानी अंतिम ओवर हाथ में लिए हुए टीसीसी मस्तूरा की ओर से 24 रन चाहिए भैया। मात्र 6 गेंदों में क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, क्या कुछ अपने लिए ये 6 गेंद लाएंगे, किसके लिए जो है निर्णायक साबित होंगे आने वाला वक्त बताएगा। एक और यानी 5 पर अभी भी 24-23 बराबरी के लिए पवनदीप और प्रीतम पे होगा, वही कृष्णा अपने कोटे का हाथ में लिए हुए पवनदीप के लिए। पवनदीप तैयार, रन आउट तैयार है। 4 धीरे धीरे मैच की औपचारिकताएं रह गई हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। 36 रन भी बन जाते हैं एक ओवर में, लेकिन यहां जरूरत मात्र के लिए हमसे दो बड़े छोर से एक और विकेट का पतन स्टंपिंग के रूप में। अच्छी स्टंपिंग सुजान के द्वारा, हम पहले ही बता चुके थे अच्छी सी सुजान। पवनदीप यहाँ पे शानदार छक्का जड़ा है, छक्के की मदद से अपना भी स्कोर खाता खोला। छक्के और यहाँ पर 4 रन मात्र 1 गेंद से। कृष्णा एक बार फिर अंतिम गेंद और धीरे धीरे यहां पर मैच समाप्त। 12 रनों से यहां पर जीत दर्ज की है टीसीसी मस्तूरा ने, और अच्छा क्रिकेट चला यहां पे। वापसी के बाद बच्चे जैसाना क्रिकेट क्लब पंगीर से निवेदन है कि वो यहां पे टॉस प्रक्रिया संपन्न करें। बहुत ही अच्छी यहां पे दोनों रही है, तो हमारी जो मुख्य माता की टीम है एमसीसी मुख्य माता बहुत जगहों से